हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का यहाँ पे HSC बोर्ड एग्जाम का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। ये है मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो आज हम ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपने कोई भी चैप्टर या कोई भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ये पढ़ा है, ठीक है, टर्म, लेकिन आपको यही पता नहीं है कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं एग्जाम में। आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, आपने पूरे 1 to 10 चैप्टर्स पढ़ लिए, लेकिन आपको पता नहीं है क्वेश्चंस कैसे आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप कैसे एकदम से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर को? और आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स मिलते हैं 80 मार्क्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो ये ध्यान में ज़्यादा ज़रूरी रखना है आपको कि आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पहले आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करना है, पहले आपको ये देखना है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आपको ये देखना है कि बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न होता है पेपर का वो कैसा है, इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और वीडियो है इकोनॉमिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पेपर की, 2021 सितंबर का क्वेश्चन पेपर है वो, ठीक है, 2021 सितंबर का पेपर है, तो आप वो भी देख सकते हैं, नीचे लिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि टाइम आपको 3 आवर्स दिया जाएगा, ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए गए हैं। फर्स्ट, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेकंड, ड्रॉ नीट टेबल्स डायग्राम्स वेयर एवर नेसेसरी। अब इसमें सबको कन्फ्यूजन होता है पॉइंट नंबर सेकंड में, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, और अगर वो क्वेश्चन की डिमांड में ऐसा है कि आपको वहाँ पर टेबल्स ड्रॉ करने हैं या डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, तो आपको टेबल और डायग्राम को ड्रॉ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसे ब्लैंक छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन कर दें, ऐसा नहीं है। एक्सप्लेनेशन के साथ अगर क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको टेबल और डायग्राम ड्रॉ करना है, तो आप वो भी साथ में ड्रॉ करें, ठीक है। नेक्स्ट है, फिगर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स। अब फिगर्स जो भी बनाते हैं, जैसे भी कोई भी टेबल या डायग्राम, जो भी आपका, जैसे लॉ ऑफ डिमांड के अंदर भी आपको एक पूरा का पूरा जो है शेड्यूल बनाना है, डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम को क्या करना है, पूरा का पूरा आपको इंडिकेशन भी देना है। ऐसा नहीं है कि आप ब्लैंक्स बना के आ गए एक्स वाई और आपने उसको लेबल नहीं किया डायग्राम को, जैसे एक्स एक्सिस पर आपने क्या मेजर किया, वाई एक्सिस पर क्या मेजर किया, ठीक है। तो वो आपको पूरा इंडिकेशन के साथ में डायग्राम को ड्रॉ करना है। कभी भी ऐसे सिंपली बस एक्सिस बना के और एक लाइन वाइन बना के मत आना, उसको पूरा इंडिकेशन के साथ बनाना है आपको, ठीक है। लास्ट पॉइंट है 4th one, राइट आंसर्स टू ऑल मेन क्वेश्चंस ऑन न्यू पेज। अब आपको क्या करना है, ये देखो ऐसे क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो आंसर शीट का मैंने यहाँ पे एक डमी ड्रॉ किया है। यहाँ पर देखिए आपका अगर क्वेश्चन वन आप यहाँ पर पूरा लिख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा आंसर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और आपका ये स्पेस बच रहा है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन टू स्टार्ट नहीं करना है। आपको यहाँ पर ये न्यू पेज है ना, यहाँ से सेकेंड वाला स्टार्ट करना है, फिर आपको यहाँ पर सेकेंड पूरा लिख देना है। तो ऐसे ऐसे ही करते करते आपके जो मेन क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, मेन क्वेश्चंस जो है वो आपको न्यू पेज पे स्टार्ट करने हैं। मेन क्वेश्चंस बोला जा रहा है यहाँ पे, ध्यान में रखना, मेन क्वेश्चन, ठीक है, मेन क्वेश्चन आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। तो अब हम स्टार्ट यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1A के साथ में। फर्स्ट वन है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे आपको डैश दिया है बॉक्स बना के, और यहाँ पे फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा है प्राइस थ्योरी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का रिलेशन प्राइस थ्योरी बताया गया है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपको ब्लैंक स्पेस दिया है, तो यहाँ पर आपको पहले रिलेशन देखना है और फिर यहाँ पर आपको आंसर सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंसर आएगा इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ये आपका आंसर है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अगर किसी ने इनकम थ्योरी लिखा है तो भी राइट है, और अगर किसी ने एम्प्लॉयमेंट थ्योरी लिखा है तो वो भी राइट है, ठीक है, दोनों भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट डिमांड फूड एंड मोबाइल्स, डैश यहाँ पे बॉक्स बना है लैंड एंड लेबर। तो आपको यहाँ पर रिलेशन देखना है, फूड और मोबाइल्स क्या है, डायरेक्ट डिमांड का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, फूड एंड मोबाइल्स क्या है, डायरेक्ट डिमांड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो लैंड और लेबर लिखा है, लैंड एंड लेबर, तो लैंड एंड लेबर कौन से डिमांड का जो है एग्जांपल है, तो ये है इनडायरेक्ट डिमांड और डिराइव्ड डिमांड का एग्जांपल। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, आपको लिखना है इनडायरेक्ट डिमांड, ठीक है, आपको क्या लिखना है, इनडायरेक्ट डिमांड और डिराइव्ड डिमांड, ठीक है, दोनों भी सेम ही जो आप बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट डिमांड भी बोल सकते हैं और डिराइव डिमांड भी बोल सकते हैं, बोथ आर दी सेम, ठीक है। नेक्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ED इज इक्वल्स टू इन्फाइनेट, ठीक है, ये जो सिंबल बना के दिया है ये इन्फाइनेट, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ED इज इक्वल्स टू इन्फाइनेट, ये रिलेशन हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दी है और ED इज इक्वल्स टू 1 दिया है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे देखना है कि जो है ये फॉर्मूला किसका है, ED इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो ये है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में क्या लिखना है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है, आपका आंसर क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट है आउटपुट मेथड प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, ये हमने रिलेशन देखा, आउटपुट मेथड
और प्रोडक्ट मेथड, यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस दिया गया है और फैक्टर कॉस्ट मेथड दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, इनकम। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम चैप्टर के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आप चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज में देख सकते हैं ये क्वेश्चन। बस इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे शफल कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है स्पेस को। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, इनकम मेथड। ठीक है, पर्सनल इनकम टैक्स डैश गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये रिलेशन बताया गया है। तो पर्सनल इनकम टैक्स कौन सा वाला टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, पर्सनल इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1B, गिव इकोनॉमिक टर्म्स, गिव इकोनॉमिक टर्म्स। तो ये जो है 1 मार्क के क्वेश्चन है। ठीक है, इकोनॉमिक टर्म ही आपको लिखना है, इकोनॉमिक टर्म। ठीक है, एक टर्म ही लिखना है आपको, इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। जो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है उसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसमें ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक टर्म ही लिखना है। 5 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन देखिए, यहाँ पर एडिशनल यूटिलिटी डिराइव बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड। तो ये इसका आंसर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसका आंसर है मार्जिनल यूटिलिटी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यहाँ पर सेकंड वन देख लेते हैं। सेकंड वन है प्राइस बींग कॉन्स्टेंट डिमांड फॉल्स ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो ये आपको मैंने बहुत बार एक्सप्लेनेशन में भी बताया है, और जो टेस्ट की वीडियो है वो भी आप देख सकते हो, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन मैंने बहुत रिपीटेडली पूछे हैं। तो आप उससे भी देखकर प्रिपेयर कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको कैसे लर्न करने हैं। तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट जो सेकंड वन क्वेश्चन है, प्राइस बीइंग कांस्टेंट डिमांड फॉल्स ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, इसका आंसर है डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इसका आंसर क्या है, डिक्रीज इन डिमांड। थर्ड वन है रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है एवरेज रेवेन्यू। इसका टर्म क्या है आपको याद रखना है, एवरेज रेवेन्यू। फोर्थ वन है पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो ये चैप्टर नंबर 5th फॉर्म्स ऑफ मार्केट में से क्वेश्चन पूछा गया आपको, जहाँ 5th वाला, उसके फर्स्ट पेज पे आपको, वेरी फर्स्ट पेज पे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, लॉन्ग पीरियड। ठीक है, लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट है 5th वन, द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ ईयर। तो ये इसका आंसर क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इकोनॉमिक टर्म लिखना है। आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चन है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इकोनॉमिक टर्म ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1C, कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी आपको 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए, 1 मार्क ईच। फर्स्ट है यहाँ पर होल इकोनॉमी इज स्टडीड इन डैश। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये ABCD में से आपको एक ऑप्शन जो है यहाँ पे जो राइट है आपको उसको सेलेक्ट करना है और लिखना है होल इकोनॉमी इज स्टडीड इन डैश। तो आपको पता होना चाहिए कि होल इकोनॉमी इज स्टडीड इन डैश किस में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर सी इकोनोमेट्रिक्स, या डी नेचुरल साइंसेस। ये भी चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है। आप जैसे चैप्टर के एक्सरसाइज खोलोगे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वन, यहाँ पर व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंट चेंज इन प्राइस द डिमांड कर्व इज डैश। का आंसर है स्टीपर, बी ऑप्शन राइट है यहाँ पर, स्टीपर। ठीक है, स्टीपर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd वन, द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू प्रमोट सेल्स। सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर्ड होता है उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, सेलिंग कॉस्ट। 4th वन, बजट दैट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसेप्ट एंड तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है रेवेन्यू बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वन, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग देम टू अनदर कंट्री इज डैश। तो यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे रॉन्ग आंसर लिख देते हैं जल्दी जल्दी में कि इसको हम एक्सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले तो क्या कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज वन कंट्री। ठीक है, कोई एक कंट्री से हमने परचेज किया और उसके बाद हमने क्या किया, उसको अनदर कंट्री को सेल किया। तो ये क्या है, आपको इसे क्या बोलते हैं, एंट्री पोर्ट ट्रेड, और जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, सबका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत अलग होता है, एंट्री पोर्ट ट्रेड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, एकदम जल्दी जल्दी से एक्सपोर्ट नहीं लिख देना है। पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, थोड़ा सा आराम से आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। क्वेश्चन जो आपको एकदम ट्रिकी लग रहा है उसको थोड़ा सा अच्छे से टाइम लगाकर रीड करो, उसके बाद ही आंसर लिखो। नहीं तो क्या होता है, आप जल्दी जल्दी में एक्सपोर्ट लिख दो, फिर कट करो, स्क्रिबल करो, फिर उसको पेपर अच्छा भी नहीं दिखता है, पूरा आपका प्रेजेंटेशन आंसर पेपर का एकदम
लो क्वालिटी हो जाता है और अच्छा भी नहीं दिखता है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं दिखती है, आप स्क्रिबल बार बार कर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सेगमेंट असर्शन और रीजनिंग का जब भी आएगा, ये जो है बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग सकता है इसे, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं पहले बता दूँ, इसलिए आपका टाइम मैनेजमेंट एकदम अच्छे, तो आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए पेपर में, क्योंकि असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर सोचना है कि दोनों भी करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। और आपको ये देखना है कि असर्शन अगर राइट है तो रीजनिंग का स्टेटमेंट जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो ये सब सोचते सोचते आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है और टाइम नहीं भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपको कैसे आते हैं और आपने कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो पहले वो लिख लेना और उसके बाद में ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, थोड़ा स्पेस छोड़ देना, ठीक है, चाहिए तो। और बाद में अगर आपको पहले नहीं आ रहा है तो आप बाद में भी इसको कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पर टाइम चला गया आपका तो आगे के क्वेश्चंस भी अगर आपको आते होंगे तो फिर आपके पास टाइम नहीं होगा लिखने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपको असर्शन और रीजनिंग से थोड़ा सा यहाँ पर डर लगता है ना, तो एक जो पूरा का पूरा पेज है वो आप छोड़ के आगे का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके और फिर बाद में लास्ट में असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं तो सिंपली आपको सॉल्व करना है और आपको आगे पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करते जाना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बस मैंने बता दिया है पहले आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लास्ट टाइम जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी और यहाँ पर ही टाइम उनका चला गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है असर्शन। तो फर्स्ट यहाँ पर असर्शन का स्टेटमेंट दिया गया है, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। रीजनिंग का स्टेटमेंट है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। तो यहाँ पर जो है आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। बोथ स्टेटमेंट असर्शन और रीजनिंग के ट्रू है, आर ट्रू, एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उनका स्टेटमेंट दिया है विथ राइजिंग प्राइस सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स। रीजनिंग का स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर, सेलर्स अर्न मोर प्रॉफिट एट अ हाइयर प्राइसेस। नंबर बी है वो राइट है, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजनिंग आर इज ट्रू, ठीक है। असर्शन का स्टेटमेंट क्या बता रहे हैं यहाँ पर, फॉल्स है, लेकिन रीजनिंग का स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, थर्ड वन असर्शन रीजनिंग का। इंडेक्स नंबर कंसिडर ऑल फैक्टर्स, और रीजनिंग का स्टेटमेंट है इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन सैम्पल्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन फोर्थ वन है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा क्वेश्चन, लेकिन जो स्टेटमेंट है ना उसे यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। जो ये जो रीजनिंग का स्टेटमेंट है, आप देखोगे जो चैप्टर नंबर 7 की चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जो स्टेट यहाँ पर जो रीजनिंग का स्टेटमेंट है उसे थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट कर दिया गया है। और आप मुझे कमेंट में बताओगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन देखा है चैप्टर की एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, तो आप बताना कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर भी मुझे बताना। क्वेश्चन फिफ्थ वन जो है वो है, इंटरनेशनल ट्रेड लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। और रीजनिंग का स्टेटमेंट है यहाँ पर, इंडियाज नेशनल ट्रेड इज़ नॉट इंक्रीजिंग। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर है, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजनिंग आर इज फॉल्स। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ए, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको एनी थ्री क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एनी थ्री क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको, और ये 6 मार्क्स के लिए है। मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए है, यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए आपको एक क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। वन क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ठीक है, वन क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, और यू हैव टू अटेम्प्ट एनी थ्री क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी थ्री ही क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। अगर आप भूल के सारे क्वेश्चंस लिख देते हो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आगे जो आपको इतना लेंथी पेपर कंप्लीट करना है उसके लिए आपको टाइम नहीं बचेगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट करो कौन से आपके क्वेश्चंस आते हैं जल्दी जल्दी, और एनी थ्री क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको इकोनॉमिक टर्म को आइडेंटिफाई करना है, लिखना है, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है, क्योंकि वन क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था पहले कि गिव इकोनॉमिक टर्म जो क्वेश्चन ऊपर था उसमें सिर्फ आपको इकोनॉमिक टर्म लिखना था, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन प्लस आइडेंटिफाई करके आपको इकोनॉमिक्स के लिए मिलेंगे, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के लिए 1 मार्क आपको मिलेंगे, और 1 मार्क इसके लिए मिलेंगे आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मिलेंगे, ठीक है, याद रखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आशा कलेक्टेड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। तो इसका तो ये एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश डिमांड फॉर सॉल्ट रिमेंड अनचेंज इन स्पाइट ऑफ अ 10% राइज इन इट्स प्राइस। तो यहाँ पे जो इसका
इकोनॉमिक टर्म है यहाँ पे जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इसका कंसेप्ट है और आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है, ये याद रखना आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर, आउट ऑफ 4000 केजीज ऑफ राइस द फार्मर ऑफर टू सेल 1000 केजीज ऑफ राइस इन द मार्केट एट 40 रुपीज पर केजी। तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर है, जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है, सप्लाई का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है, सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, और तो आपको क्या करना है, सप्लाई का कॉन्सेप्ट लिखना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फोर्थ वन, शोभा कलेक्टेड डेटा रिगार्डिंग द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20। यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट लिखना है वो है नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट, ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज में, तो आपको लिखना है नेशनल इनकम और उसको एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट यहाँ पर है फिफ्थ वन, लकी डिपॉजिट और लमसम अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज़ इन द बैंक ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर, यहाँ पर पीरियड भी आपको बताया गया है और एक लमसम अमाउंट भी बताया गया है कि लकी ने क्या किया, 1 लाख रुपीज़ बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कर दिए 1 साल के लिए। तो यहाँ पर क्या है, ये एक फिक्स्ड डिपॉजिट है, तो आपको क्या लिखना है, कंसेप्ट में लिखना है फिक्स्ड डिपॉजिट और उसको एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2B यहाँ पर दिया गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, यहाँ पे भी आपको any 3 अटेम्प्ट करने हैं और ये 6 मार्क्स के लिए है, यानी कि 1 पे कितने मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको any 3 अटेम्प्ट करने हैं और आपको यहाँ पर 3 अटेम्प्ट करने हैं कोई भी, तो यहाँ पे 5 आपको दिए गए हैं, फर्स्ट है स्लाइसिंग मेथड और लंपिंग मेथड, सेकंड है जॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड एंड कॉम्पिटेटिव डिमांड, थर्ड वन है टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, फोर्थ वन है प्राइस इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, फिफ्थ वन है इंटरनल डेप्थ एंड एक्सटर्नल डेप्थ। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है, देखो यहाँ पे मैं नॉर्मली बता देती हूँ, यहाँ पे देखो अगर आपको यहाँ पे स्लाइसिंग मेथड लिखा है और यहाँ पर आप लंपिंग मेथड लिखेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट स्लाइसिंग मेथड का, एक लंपिंग मेथड का, स्लाइसिंग मेथड का और स्लाइसिंग लंपिंग मेथड का सेकंड पॉइंट, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ दोनों के दो दो पॉइंट लिखने हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्क्रीन पर, ठीक है, दोनों के भी दो दो पॉइंट्स लिखने हैं आपको, और अगर आपको देखना है डिफरेंस बिटवीन कैसे लिखते हैं तो जो एक्सरसाइज की जो वीडियोज़ है उसमें भी आप देख सकते हो कि कैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन को लिखना है, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कॉमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगी आपको वीडियो बनाकर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन any 3 आपको अटेम्प्ट करना है, ये 12 मार्क्स के लिए है, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स, ठीक है, 1 क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, अगर आप एक क्वेश्चन लिखेंगे अच्छे से पूरा आंसर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर 4 मार्क्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपको कितने अटेम्प्ट करना है, any 3 फॉर 12 मार्क्स, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड है एक्सप्लेन any 4 फीचर्स ऑफ मोनोपोली, थर्ड क्वेश्चन है एलोबरेट any 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, और फोर्थ वन है यहाँ पर क्वेश्चन राइट any 4 प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन द नेशनल इनकम एस्टिमेशन, ठीक है, और फिफ्थ वन यहाँ पर आपको दिया गया है, फिफ्थ वन एक्सप्लेन द रेशियो मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, गैस स्टेट विद रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, any 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं फॉर 12 मार्क्स, 1 क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, ये याद रखना है 1 क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, तो अब यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद रखना है कि अगर आप देखो 1 मार्क आपको मिल जाएगा आप अगर लिखोगे आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, और अगर क्वेश्चन का आंसर है आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, ठीक है, तो एक लाइन फर्स्ट लाइन आप लिखते हो आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट और आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, आई डिसएग्री, ठीक है, आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, ये इतना लिखने के लिए आपको 1 मार्क मिल जाएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है, तो आपको ये लाइन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो लिखनी जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है देर आर नो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो हमें पता है कि बहुत सारे एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के, और यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में देर आर नो एक्सेप्शन, तो ऐसा तो नहीं है, तो हमें लिखना है इसका फर्स्ट का आंसर क्या होगा, आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, ठीक है, आपको क्या लिखना है आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, इतना लिखने में आपको 1 मार्क मिल जाएगा, उसके आगे आपको क्या करना है, देखो अब बचे 3 मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स बचते हैं आपको, अब आपको क्या करना है जो मार्जिनल यूटिलिटी के वो लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग, तो आपको यहाँ पर लिखना है आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, ठीक है, और आपको आगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड वन है प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज डिसाइडेड बाय द इंटरैक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, तो आपको लिखना है यहाँ पे जो आंसर है वो है आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, ठीक है, आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, थर्ड वन का आंसर क्या है आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, फिर आपका एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है फोर्थ वन कैपिटल मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया,
तो यहाँ पे आपको लिखना है आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद में आपको एक्सप्लेनेशन करना है 3 मार्क्स के लिए। फिफ्थ वन, यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेम एज बैलेंस ऑफ ट्रेड दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेम एज बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमें लिखना है आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, और उसके बाद में आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है 3 मार्क्स के लिए। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर इसलिए बताए हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स को पता चले कि कौन से वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन से आप 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले हो, ठीक है। तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर बताते जाती हूँ पूरे क्वेश्चंस के। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है, यहाँ पे टेबल फिगर और पैसेज कोई भी आएगा आपको, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एनी टू अटैम्प्ट करने हैं। एनी टू मतलब देखो, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट वन है, ठीक है, ये फर्स्ट है। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर आइडेंटिफाई द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम्स, ये सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखा आपने। और एक थर्ड वन है यहाँ पर, ये दिया गया है आपको पैसेज पूरा का पूरा, ये पैसेज, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पैसेज दिया गया है पूरा, और यहाँ पर 1, 2, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1, 2 और 3 यहाँ पर पैसेज के हैं। तो आपको 1, 2 और 3 में से कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं पूरे के पूरे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है, ये टेबल दिया गया है, ठीक है, ये टेबल दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिए गए हैं, सारे के सारे डायग्राम्स दिए गए हैं, और थर्ड में आपको क्या दिया गया है, आपको एक पैसेज दिया गया है, ठीक है। तो आपको या तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों भी अटैम्प्ट करना है, या फर्स्ट और थर्ड अटैम्प्ट करना है, जो भी आपको मन करे आप कर सकते हैं अटैम्प्ट, लेकिन आपको यहाँ पर सारे के सारे आंसर्स देने हैं क्वेश्चन के। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट वन, यहाँ पर ये पूरा टेबल है, और टेबल के नीचे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है, ये दोनों भी आंसर करने हैं आपको। ऐसा नहीं है कि एक ही आंसर किया और बाकी का नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से दिया हुआ है, ये अच्छे से ध्यान में रखो। यहाँ पे ये जो टेबल दिया हुआ है कंपोनेंट्स और करोड्स का, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है फर्स्ट वन, यहाँ पे आप देख सकते हो कैलकुलेट जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द अबव टेबल। अब ये बहुत ही सिंपल है, अगर किसी को आता है फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको आता है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिकली सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो आपको क्या करना है, पहले सी को सी आई को प्लस करना है और इन सबको प्लस करना है, सी को आई को और जी को, ठीक है, 800, 700, 400, ठीक है, 800 प्लस 700 प्लस 400, ठीक है, इनको प्लस करना है और माइनस कर देना है इसमें से 150, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 1750, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, जीडीपी 1750। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अबव टेबल। अगर आपको एनडीपी का फॉर्मूला आता है तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो एनडीपी का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब जीडीपी तो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, जीडीपी हमने फाइंड आउट किया 1750 है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपकी टेबल दी गई है, यहाँ पर देखो डी मतलब डेप्रिसिएशन 100 दिया गया है, तो आपको क्या करना है, जीडीपी 1750 जो हमने पहले फाइंड आउट किया है वो लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन क्या दिया गया है, 100 दिया गया है, तो यहाँ पे 100 माइनस करना है, तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, 1650, ठीक है, आपका आंसर आएगा 1650। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बता दूँ मैं आपको, आइडेंटिफाई करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम्स, आपको डायग्राम्स देखना है और यहाँ पे बताने हैं इनके जो है, आइडेंटिफाई करके आपको लिखना है सिर्फ। तो यहाँ पे फर्स्ट देखो, फर्स्ट डायग्राम जो है वो है परफेक्टली इनइलास्टिक का डायग्राम है। फर्स्ट वन कौन सा है, परफेक्टली इनइलास्टिक का डायग्राम है। सेकंड दिया गया है आपको परफेक्टली इलास्टिक का डायग्राम है, और थर्ड वन यहाँ पे आपको दिया गया है रिलेटिवली इनइलास्टिक का डायग्राम है, और फोर्थ वन जो है वो है आपका यूनिटरी इलास्टिक का डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, और ये जो पैसेज के क्वेश्चन है ये आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं पढ़कर, ये पैसेज आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे पैसेज में आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिए गए हैं 1, 2 और 3, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, 1, 2 और 3 ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो बेसिकली आपने यहाँ पर देखा कि पैसेज के क्वेश्चंस भी आप पूरे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको ये एक टेबल दिया गया है इसके भी क्वेश्चंस के आंसर्स आप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एनी टू अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, थीके? या आप पैसेज और ये टेबल अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर डायग्राम्स और टेबल वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो भी आपको मन करे कर सकते हैं अटेम्प्ट।
नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल एनी टू। यहाँ पे आपको एनी टू क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। वन क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स, यहाँ पर दो क्वेश्चंस आप लिखेंगे तो आपको 16 मार्क्स मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वेरिएशंस एंड चेंजेस इन डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। तो इसमें से आपको एनी टू अटेम्प्ट करने हैं, एनी टू अटेम्प्ट करने हैं, याद रखना सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन एंड चेंजेस इन डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो आपको डायग्राम बनाना कंपलसरी है, ठीक है, आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। आप जो भी एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं तो आपको डायग्राम्स बनाना ही पड़ेगा। देखो वेरिएशन, कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन के अंदर भी यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ पर आपको डायग्राम्स को ड्रॉ करना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद में आप जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, तीनों में से आपको जो भी क्वेश्चन के आंसर आते हैं आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपको और भी वीडियोज़ चाहिए, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कॉमेंट करके नीचे बता सकते हैं। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने हैं इकोनॉमिक्स का जुलाई 2022 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।